हेलो गाइस, स्वागत है हमारे चैनल बीएससी एजुकेशन लेक्चर्स में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, महाराजा छत्रसाल यूनिवर्सिटी के एग्जाम शुरू हो गए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। तो बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स सेकेंड पेपर के क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। तो जो अपना क्वेश्चन पेपर है, आप लोग उसमें से क्वेश्चन पेपर मिलाते जाइएगा, क्वेश्चन मिलाते जाएगा। तो यहाँ हम क्वेश्चन सेकंड से आप लोगों के लिए आंसर बताएं। क्वेश्चन फर्स्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो वो आप लोग स्वयं कीजिएगा, और नहीं तो फिर हम अगली वीडियो में आप लोगों के लिए बता देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन सेकंड है अपना प्रश्न क्रमांक दो, उसके लिए आप लोग देखिए पेज नंबर चार, ठीक है। पेज नंबर चार का अथवा क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर, तो ये है अपना पेज नंबर चार पर प्रश्न दो का उत्तर। और यदि इसका अथवा करना है तो उसमें पूछा गया ऊपर वाला प्रश्न दो, सिद्ध कीजिए कि एक अंतः केंद्रित घनाकार जालक की व्युत्क्रम जालक फलक केंद्रित होती, तो इन दोनों से उसका आंसर मिलके बन जाएगा। लेकिन जो प्रश्न दो का अथवा है वो डायरेक्टली यहाँ पर दिया है पेज नंबर चार पर। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक तीन पर। तो प्रश्न क्रमांक तीन के लिए आप लोग निकालिए 36 पेज नंबर। तो क्वेश्चन थर्ड के लिए आप लोग निकालिए 36 पेज नंबर। 36 पेज नंबर पर ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया ताप के प्रभाव को समझाइए, प्रश्न क्रमांक तीन। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक चार। तो प्रश्न क्रमांक चार के लिए आप लोग आइए 71 पेज नंबर पर। तो जो प्रश्न नंबर जो चार है प्रश्न क्रमांक, ठोसों के बेंड सिद्धांत के आधार पर धातु कुचालक तथा अर्धचालक में अंतर। तो बेंड सिद्धांत तो ये है, लेकिन जो इसका अथवा है, अब देखो इसमें क्योंकि धातु कुचालक अर्धचालक में अंतर भी स्पष्ट करना है, तो इससे अच्छा आप लोग प्रश्न क्रमांक चार का अथवा उत्तर कर लीजिए। अथवा में अवधाव और जेनर भंजन को समझाइए, प्रश्न क्रमांक चार के लिए बेंड सिद्धांत तो ये हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब आते इसके अथवा पर। तो अथवा के लिए आप लोग निकालिए 97 पेज नंबर। 97 पेज नंबर पर ये दिया गया अपन को जेनर भंजन, ठीक है। जेनर भंजन ये हो गया। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक पाँच पर। तो प्रश्न क्रमांक पाँच के लिए आप लोग निकालिए 122 पेज नंबर। प्रश्न क्रमांक पाँच का अथवा प्रवर्धकों के विरूपण को समझिए। तो प्रश्न क्रमांक पाँच का जो अथवा है उत्तर, उसके लिए आप लोग 122 पेज नंबर पर ये दिया गया प्रवर्धकों के विरूपण, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक छः पर। तो प्रश्न क्रमांक छः के लिए आप लोग निकालिए 162 पेज नंबर, 163 पेज पर, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक छः का उत्तर, नैनोपण की संरचना तथा आकार को समझिए। तो संरचना एवं आकार का वर्णन ये है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक छः का उत्तर 163 पेज नंबर पर, ये अपना पूरा आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, 163 पर। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक सात पर। तो प्रश्न क्रमांक सात के लिए आप लोग निकालिए 17 पेज नंबर, ठीक है। ये तो अपना उसी का है, ठीक है, पेज नंबर 17 निकालिए। ये अपन का प्रश्न क्रमांक छः है अभी, नैनोकण की संरचना एवं आकार, ठीक है, ये पूरा यहाँ तक लिखना। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक सात। तो इसके लिए आप लोग निकालिए 17 पेज नंबर, प्रश्न क्रमांक सात ये है, ठीक है, 17 पेज नंबर पर। तो ये पूरा अपन को लिखना है, ठीक है, यहाँ तक, ये अपन का यहाँ तक लिखना है ये, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक आठ। तो प्रश्न क्रमांक आठ के लिए आप लोग निकालिए 57 पेज नंबर। जो प्रश्न क्रमांक आठ का अथवा उत्तर है, ये अपना लेंजन सिद्धांत, ठीक है। तो ये अपना प्रश्न क्रमांक आठ का अथवा उत्तर पूरा है, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा जहाँ तक हो वहाँ तक ये है यहाँ तक, ठीक है, प्रश्न क्रमांक आठ का अथवा उत्तर। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक नौ। तो प्रश्न क्रमांक नौ के लिए आप लोग देखिए 88 प्रश्न क्रमांक नौ का उत्तर, ये 88 और 89 पेज नंबर पर, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा जितना हो वैसे लिख लीजिएगा। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक दस के लिए। तो प्रश्न क्रमांक दस के लिए आप लोग निकालिए 122 पेज नंबर, ये अपना प्रश्न क्रमांक 10, जिसमें सीई के लिए दिया, सीई प्रवर्धक, तो ये है अपना सीई प्रवर्धक, प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर 122 पेज नंबर पर, ठीक है। ये जहाँ तक है अपना वहाँ तक लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, पेज नंबर 122 पर प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 10 के अथवा उत्तर पर। तो इसके लिए आप निकालिए 151, 152 और 153 पेज पर, ठीक है। मोंडुलन ये 151, तो ये मांडुलेशन और ये आयाम मांडुलेशन का सिद्धांत यहाँ पर, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 11 पर। तो प्रश्न क्रमांक 11 के लिए आप लोग देखिए 164 पेज नंबर। तो ये है प्रश्न क्रमांक 11, नैनो कण के आकार पर निर्भर चार गुणों के नाम लिखिए। देखो ये है क्योंकि इसमें पूछा गया संरचना व आकार पर निर्भर करने वाले गुणों का वर्णन, तो ये अपने गुण और इनका वर्णन पूरा ये दिया गया है 164 पेज नंबर पर। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 11 के अथवा के लिए। तो 174 पेज नंबर निकालिए।
ये है प्रश्न क्रमांक 11वीं का अथवा उत्तर 174 पेज नंबर पर स्थूल तथा नैनो कणों के आधार पर अंतर। ठीक है, तो ये आप लोग कर लीजिएगा प्रश्न क्रमांक 11वीं का अथवा उत्तर। थैंक यू।